हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल आरएनजी के। अब आज हम देखने वाले हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8 का पाठ 7 भेड़ाघाट। इसका संपूर्ण अलपन देखते हैं बच्चों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेंगी। ओके बच्चों, तो चलिए देर ना करते हुए अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न, सही उत्तर छांट कर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, भेड़ाघाट में कौन सी नदी बहती है? बेतवा, नर्मदा, चंबल, कैन। तो आप लिखाइए ऑप्शन बी पर राइट लगाइए और लिखिए नर्मदा। प्रश्न नंबर 2, लोक मान्यता के अनुसार भेड़ाघाट में तपस्या करने वाले ऋषि कौन थे? तो आप ऑप्शन ए पर राइट लगाइए, भृगु। और क्वेश्चन नंबर 3, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो आप लगाइए ऑप्शन सी, अमरकंटक से। और प्रश्न नंबर 4 है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? चार ऑप्शन दिए हैं, चारों अशुद्ध हैं, अपन को इसमें से सही वर्तनी वाला शब्द छाट कर लिखना है। नर्मदा, प्रपात, पर्वत, जबलपुर, इसमें सब गलत लिखा है। ऑप्शन बी प्रपात बिल्कुल सही है, तो आप लिखिए ऑप्शन बी प्रपात। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5, इन्होंने जन्म लेते ही भेड़ाघाट देखा है और भेड़ाघाट देखते देखते ही मिट जाएंगे। लेखक ने यह बात किसके बारे में कहा है? आप लिखो घास और घास पात के लिए। अब नीचे दिए गए शब्दों में उचित शब्द रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नर्मदा नदी की लंबाई 800 मील है। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी की परिक्रमा की जाती है। और प्रश्न नंबर 8 है, तपस्या करने वाले को तपस्वी कहते हैं। और 9वें प्रश्न में है, चट्टानों के घर्षण से नदी की धार में घर घर स्वर निकलता है। भेड़ाघाट में संगमरमर की चट्टानें सतपुड़ा पर्वत की, अरावली पर्वत की हैं, सॉरी, भेड़ाघाट में संगमरमर की चट्टानें अरावली पर्वत की हैं। अब देखते हैं अपन अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पाठ के अनुसार संस्कृत कोश में नींबू का उल्लेख करना कौन भूल गया था? संस्कृत के दिग्गज लेखक कालिदास भूल गए थे। 12 वाला देखिए, लेखक ने भेड़ाघाट की चट्टान को तपस्वी क्यों कहा है? नदी के पानी में खड़ी विशाल चट्टानें छोटे तृणों के लिए सर्दी, गर्मी और बरसात को सह रही हैं, इसलिए कहा है। और 13 प्रश्न है, दूध धारा क्या है? संगमरमर की चट्टानों पर से बहते हुए नर्मदा का जल घर्षण के कारण दूध जैसा दिखाई देता है, पड़ता है, इसे ही दूध धारा कहते हैं। नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कर एक वाक्य बनाइए। भेड़ाघाट जबलपुर से 13 मील दूर ही तो है। इस तरीके से अपन को ये वाक्य बना के लिखना है।
अब अपन देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। हिमालय की बर्फीली चोटियां और नर्मदा में क्या अंतर है? आप लिखिए, हिमालय की बर्फीली चोटियां गल रही हैं परंतु तब भी वे डटकर खड़ी हैं, परंतु खूबी है उसी प्रकार सफेदी भेड़ाघाट में नर्मदा की हुई है जो गलती नहीं है। अब 16वां प्रश्न देखिए, नर्मदा मानो यहाँ सीटी के कारागार की बंदनी है, इस पंक्ति का क्या आशय है? इस पंक्ति का आशय यह है कि श्वेत चमकीली संगमरमर की चट्टानों किनारा मानो जेल की ऊंची ऊंची दीवारें हैं। अब अपन देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 17। लेखक माखनलाल चतुर्वेदी का नर्मदा से ममत्व क्यों है, मतलब प्यार क्यों है? लेखक माखनलाल चतुर्वेदी का नर्मदा से ममत्व इसलिए है क्योंकि भेड़ाघाट की सुंदरता का मुग्धकारी प्रभाव चमत्कारिक है। चलिए अपन 18वां प्रश्न देखते हैं। जातो दूध बलाम, यह आठ किसने कही थी? यह बात किसने कही थी? इस बात का मानक भाषा में लिखिए। यह तो दूध धारा है, यह बात टोपी लगाए हुए फूले गालों वाले ग्रामीण बच्चों ने कही थी। अब बच्चों अपन देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 है। पंक्ति के आशय को स्पष्ट करते हुए लिखिए कि यह किस संदर्भ में कही गई है। ये भेड़ाघाट के संदर्भ में लेखक कहता है कि भेड़ाघाट पर संगमरमर के ऊपर लहराती घास है, इसमें भेड़ाघाट की इसी संगमरमर पर जम लिया है और यही अपना जीवन समाप्त कर देगी। अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। भेड़ाघाट के अतिरिक्त मध्य प्रदेश के किसी एक धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थल के बारे में लिखिए। उज्जैन मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और हर 12 साल में सिंहस्थ कुंभ मेला आयोजित होता है। यहाँ का कालिदास अकादमी और विक्रम कीर्ति मंदिर भी सांस्कृतिक महत्व रखते हैं। ओके बच्चों।